नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है टॉप 10 का, तो चलिए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की 10 बड़ी खबरों पर। शाह ने अहमदाबाद में मनाया गुजराती नववर्ष, केंद्रीय गृह मंत्री ने अपने आवास पर आयोजित किया स्नेह मिलन कार्यक्रम। शाइना एनसी पर अपने बयान के लिए शिवसेना के नेता अरविंद सावंत ने मांगी माफी। दुबई से दिल्ली आ रही फ्लाइट में मिला कारतूस, एयर इंडिया ने जारी किया बयान। जेके खानियार में एनकाउंटर के बीच धमाका, जिस घर में छिपे आतंकी उसमें लगी आग। 25 नवंबर से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र, कई अहम बिलों पर होगी चर्चा। वैसी ने वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य होने पर उठाए सवाल, कहा टीटीडी में एक भी गैर हिंदू नहीं। पंजाब के जालंधर में सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर एनजीटी ने जारी किया नोटिस। महाराष्ट्र डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने खारिज किए शरद पवार के आरोप, कहा एनसीपी प्रमुख को भ्रम हो गया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से सटी जर्जर दीवार गिरी, गार्डर पटिया गिरने से 5 लोग घायल, एनडीआरएफ टीम का रेस्क्यू जारी। दिवाली में आतिशबाजी के दौरान 13 साल के बच्चे की जेब में फटा विस्फोटक, परिवार में छाया मातम। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।